वेलकम बैक टू योर चैनल चलो अमेरिका। चलिए आज आपको बताती हूँ मोस्ट फेमस न्यूज जोक व्हाट्सएप मैसेज अबाउट अमेरिका कि अमेरिका में तो भाई पेट्रोल का प्राइस पानी की बोतल से भी ज्यादा सस्ता है। क्या ये बात सच है और क्या रीजन है इसके पीछे, चलिए जानते हैं। अमेरिका में पेट्रोल को गैस कहा जाता है, इसे प्रति गैलन के हिसाब से बेचा जाता है। मैं जो भी राइट नाउ गैस का प्राइस बताऊंगी वो डेटा कैलिफोर्निया स्टेट के बेस पर है। यहाँ पर हर स्टेट में गैस प्राइस डिफरेंट रहता है। कैलिफोर्निया एंड न्यूयॉर्क स्टेट आर जनरली एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर स्टेट ऑफ अमेरिका। मैं कल दो गैस स्टेशन गई आप लोगों को रियल प्राइस दिखाने के लिए। एक गैस स्टेशन में प्राइस था $3.29 बाय क्रेडिट, मींस अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हो, और कैश में $3.19। सेकेंड पेट्रोल पंप में प्राइस था $2.95 पर गैलन बाय क्रेडिट कार्ड, और कैश से $2.85। एक लीटर 0.264 गैलन होता है। तो अब हम चीपेस्ट प्राइस यानी कि $2.85 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.264, फिर आता है हमारे पास प्राइस 0.75। द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इन द USA इज $0.75 राइट नाउ। अगर आप एक स्मार्ट वाटर की बॉटल लेने जाएंगे 1 लीटर की, तो वो भी $2.99 की आएगी। स्मार्ट वाटर यहाँ का एक अच्छी पानी की बॉटल मानी जाती है। और अगर आप बहुत चीपेस्ट बॉटल भी उठा लो, मतलब उसका भी अप्रोक्सीमेटली प्राइस डॉलर तो होगा ही। सो यानी कि अगर पानी की सस्ती सस्ती बॉटल भी आपकी $1 की आ रही है, और आपका पेट्रोल जो है 1 लीटर 0.75 का आ रहा है, तो यानी कि पेट्रोल सस्ता है राइट नाउ पानी की बोतल से, तो यानी कि ये बात और ये जोक सच है। इसका रीजन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। रीजन सिंपल है, जैसा किसी भी बिजनेस में होता है, सप्लाई एंड डिमांड। फर्स्ट रीजन तो क्लियर है, दुनिया भर के ऑयल की डिमांड इतनी तेजी से गिरी है, जैसे कि फ्लाइट उड़ नहीं रही है, जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो गाड़ियां भी चल नहीं रही हैं, तो पेट्रोल की डिमांड भी इतनी ज्यादा गिर गई है। फैक्ट्री बंद पड़ी है तो वहां पे क्रूड ऑयल की डिमांड नहीं है। सो इतनी सारी जगह से ऑयल की डिमांड कम होगी तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस में भी गिरावट आएगी। हम सब लोग जानते हैं कि जब किसी भी चीज की डिमांड कम हो जाती है तो उसके प्राइस में भी गिरावट आती है। इस सिचुएशन में अगर सप्लाई को भी कम कर दिया जाए तो प्राइस को स्टेबल किया जा सकता है। इसलिए जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं, जैसे कि USA, सऊदी अरेबिया, रशिया ने रियलाइज किया कि हमें प्राइस को स्टेबल करने के लिए एक एग्रीमेंट बनाना चाहिए, और जो कि उन्होंने एग्रीमेंट बनाया April 13 को, और ट्रंप ने डील की कि सऊदी अरेबिया रशिया के साथ हम सप्लाई कम करेंगे और प्राइस स्टेबल कर पाएंगे और हम सब स्टेबल प्रॉफिट को कमा पाएंगे। पर फिर भी 20th अप्रैल को ऑयल गिर के -$40 पर गैलन तक पहुंच गया। अब आते हैं सेकंड रीजन पे। प्राइस तो स्टेबल कर दिया, लेकिन ऑयल को अब सप्लाई कैसा करा जाए। से कुछ जो ऑयल है वो जमीन में होते हैं और कुछ समुन्द्र में, तो इन सभी ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइंस की जरूरत होती है। समुन्द्र वाला ऑयल शिप टैंकर से ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो समुन्द्र का क्रूड ऑयल तो सभी ट्रांसपोर्ट के थ्रू ले जा सकते हैं और मतलब सप्लाई हो पा रहा है। अब जैसे अमेरिका का ओक्लाहोमा स्टेट में पाइपलाइन के थ्रू ऑयल डिलीवर होता है, यहाँ यह एक लौता डिलीवरी पॉइंट है जहाँ से सभी जगह सप्लाई करना है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है।
यूएसए में ऑयल स्टोरेज की कमी पड़ रही है, इसी वजह से अमेरिका में ऑयल का प्राइस और गिर गया है। चलिए कोई बात नहीं, हम एंजॉय करते हैं लो रेट की गैस यानी कि पेट्रोल। अभी के लिए बाय बाय, शब्बक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।